गुड़केश्वर परिसर में चोरी करने के एक आरोपी को पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर ही धर दबोचा। आरोपी अक्षय वाटकर बैंक कॉलोनी नरसाला रोड निवासी बताया जा रहा है। आरोपी से मोबाइल फोन, लैपटॉप, पावर बैंक सहित करीब 49,500 रुपए का माल जब्त किया गया है। गुड़केश्वर पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए चोरी करने के 3 घंटे में ही एक चोर को धर दबोचा है। आरोपी अक्षय वाटकर बैंक कॉलोनी नरसाला रोड हुड़केश्वर निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी से मोबाइल फोन, लैपटॉप, पावर बैंक सहित करीब 49,500 रुपए का माल जब्त किया गया है। गौरतलब रहे कि न्यू प्रेरणा नगर न्यू नरसाला रोड निवासी सूरज धनविजय के नए मकान का निर्माण कार्य शुरू था। इस दौरान वह बिना दरवाजे वाले कमरे में ही सो गए थे और इस दौरान इस कमरे में रखे लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य माल सहित करीब 50,000 रुपए का माल चुरा कर आरोपी अक्षय वाटकर फरार हो गया था। ऐसी जानकारी हुड़केश्वर पुलिस के चिंतरंजन चांदुरे ने इनबिसिन को दी। पुलिस स्टेशन हुड़केश्वर इतने फिरियादी सुरेश धनविजय है, प्रेरणा न्यू प्रेरणा नगर इतने रहना है, नरसाड़ा रोड। घरफोडी झाल्याबद्दल त्यांनी तक्रार दिली होती, त्यावरून पोलीस स्टेशनला 637/2022 याप्रमाणे गुन्हा नोंद होता चोरीचा। त्यामध्ये एक लॅपटॉप, 3 मोबाईल, 1 पॉवर बँक या प्रकारे चोरी झालेली होती। आमच्या गुन्हे शोध पथकाचे कर्मचारी आहेत राहुल, यांना गोपनीय बातमी मिळाली की यातील आरोपी जो अटक आरोपी आहे अक्षय श्रीकांत वाटकर हा नरसाळा रोडला राहणार आहे, त्यांनी ही चोरी केलेली आहे। अशा माहितीवरून त्यांनी तत्काळ त्याला ताब्यात घेऊन तपास केला असता जो चोरीस गेलेला सर्व मुद्देमाल आहे त्याच्याकडून हस्तगत करण्यात आलेला आहे। नमूद गुन्ह्यात अटक करून पोलीस कोठडी घेऊन अन्य गुन्हे कुठले केले का याबाबतसुद्धा त्यांनी तपास केलेला आहे। हा आरोपी हा रेकॉर्डवरील आरोपी असून काही दिवसापूर्वीच तो जेलमधून निघालेला आहे। गंभीर गुन्ह्यात तो अटक होता आतापर्यंत आणि त्यांनी चोरी केली असे निष्पन्न झाल्याला त्याला अटक केलेली आहे, तपास सुरू आहे। आरोपीचं नाव अक्षय श्रीकांत वाटकर आहे, तो नरसाळा येथे राहणारा आहे, नरसाळा रोडवरती, आणि कुठलाही कामधंदा करत नाही तो, आणि गंभीर गुन्ह्यात आरोपी आहे तो जुना, आताच जेलमधून सुटलेला आहे तो, आणि तो नशेच्या आहारी गेलेला आहे आणि त्यामुळेच तो चोऱ्यामाऱ्या करत असतो। आपको बता दें कि हुड़केश्वर पुलिस की ये कार्यवाही वाकई में काबिले तारीफ रही, क्योंकि महज 3 घंटे के बाद ही आरोपी अक्षय वाटकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये कार्यवाही उपायुक्त नूरुल हसन के मार्गदर्शन में की गई थी। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।